Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. तो आज जैसे कि आपको पता है कि हम जा रहे हैं साहिल के एक दो डॉक्यूमेंट्स जो इनकम्प्लीट थे उसको कम्प्लीट करके उनको देने, और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हमने फाइनली कहाँ जाने का प्लान किया था, क्योंकि इसको ज़्यादा ऐसे ड्रैग नहीं करते हैं. अभी मैं और साहिल बहुत कन्फ्यूज़ हो गए हैं क्योंकि मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया, साहिल को जाना है कैनेडा. कनाडा साहिल को इसलिए जाना है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी सर्च किया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दिस, तो इनको कनाडा सबसे लाइक लगा कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा फेमिलियर एनवायरनमेंट मिलेगा बिकॉज वहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं. और आई नो कि जब आप किसी नई कंट्री में जाते हो तो उसके बारे में बहुत सर्च करते हो, तो कनाडा का तो मुझे 90% पता है, ऑस्ट्रेलिया का मुझे कम पता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद. तो उसके बारे में मैंने पूरी 100% डिटेल्स निकाली हैं और काउंसलर ने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया है. तो जो मैं आपको बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन ऐसे बोला था कि जो कंट्री हमने चूज़ की है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. तो मैंने प्रॉपर इसका ना पूरा मतलब निकलवा लिया है उनसे कि अगर हम जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है, वहाँ रहने की मतलब अगर आप रहोगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ जो जगह लोगे कितना खर्चा एक पर पर्सन का होता है. ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव उनके लिए तो नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर नॉर्मली आप बहुत सेविंग करते हो तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा. अगर आप कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत है, कनाडा से डबल है, ट्रिपल है मतलब. बट मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, तो मैंने इसलिए साहिल को बोला था कि आप स्टडीज़ कर लो, मैं आपके स्पाउस वीज़ा पे चल लेती हूँ, मैं स्टूडेंट वाला नहीं लेती हूँ क्योंकि दोनों की फ़ीस फिर डबल हो जाएगी तो फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे. तो फिर साहिल ने बोला ऐसा नहीं है ना, आप अपनी स्टडीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना मैं करूँगा. तो साहिल और मैं आज जा रहे हैं दोबारा. तो अभी हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि पहले ऑस्ट्रेलिया का तो हमारे हाथ में है सब कुछ, हमने वैसे डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ही लगाए हैं, लेकिन आज उनसे कनाडा का भी एक बार पूछेंगे. और साहिल ने अपना माइंड इतना सेट कर लिया है कि मुझे कनाडा ही जाना है, तो मैंने ये डिसाइड किया आप जाओ कनाडा, मैं जाती हूँ ऑस्ट्रेलिया. लेकिन हमने ऐसे जिसका पहले वीजा आ गया वो उसके साथ चला जाएगा. हाँ, मतलब हम दोनों ने ये डिसाइड किया है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का इनटेक है ना वो उन्होंने बोला था जुलाई अगस्त है पहला, दूसरा एक मिड में अक्टूबर होता है, लेकिन अक्टूबर सिर्फ सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होता, एक स्पेसिफिकली उन्होंने यूनिवर्सिटी नेम बताया था जो स्टूडेंट्स के एडमिशन लेती है वो सिर्फ अक्टूबर में उसी एक यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, और एक आता है फिर आपका फेब में. लेकिन कनाडा का जो है मई वाला इनटेक था जो रिजर्व्ड हो चुका है, उसके बाद सेकंड जो है वो है सितंबर का, और थर्ड जो है वो है जनवरी का. तो अभी साहिल ये बोल रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में तो मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करो, मैं कनाडा के लिए करता हूँ, दोनों में से जिसका पहले वीज़ा आता है वो उसके साथ चला जाएगा. तो ये बात अभी मुझे उनसे करनी है कि ये पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए फीस वगैरह दे दूंगी तो, और ये कनाडा में पहले इनका वीज़ा आ जाता है, तो मतलब ऐसे फंसना नहीं है ना यार, इतनी कंफ्यूजन नहीं चाहिए. तो मैं पर ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करूंगी और साहिल कनाडा के लिए ट्राई करेंगे. तो आज फाइनली आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं. और वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑस्ट्रेलिया है मेरा, बाकी साहिल कनाडा ही बोल रहे हैं बार बार, तो देखते हैं कि आज फाइनली हम कहाँ जाते हैं. तो आज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा वॉर, ठीक है, बोल सकते हैं. तो अभी बहुत तेज भूख लगी है तो हम सैंडविचेस वगैरह पहले ही लेकर आ गए थे, और जूस वगैरह तो खाते खाते मैं जाऊंगी क्योंकि अभी हमें जाना है काफी दूर, 47 मिनट्स का वे है. जाते जाते बात करती हूँ. ओ खाओगे? क्यूट कपकेक. यार मुझे लिफ्ट में ना जाने से डर लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया मुझको, क्लॉस्ट्रोफोबिया बढ़ गया है. नाइन्थ फ्लोर से जाना है, अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर है. पर मैं क्या करूं, मुझसे मुझे अजीब सा हो रहा है. एक तो मास्क भी तो पहनने लग गए हैं ना. हमें जाना 9th फ्लोर पे, पर हम 6th पे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मुझे लिफ्ट में ना अभी प्रॉब्लम होने लग गई है, ये सब काजल की वजह से है. आ गया, चलो फिर 9th पे चल लेते हैं.
बैठो, मैं बताऊंगी आपको कहाँ जाना है, ठीक है? ये पहले तो आपके लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स। थैंक यू सो मच। तो अब आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चल लो। टेंशन हो रही है? किस चीज़ की? कॉलेज के लेकर। मुझे तो नहीं। हाँ। जैसे अगर मैं वैसे ट्राई करूँगा कि अपना नंबर एक ही कॉलेज में जाए, अगर अलग अलग हो गया तो। नहीं, मैं तो उनसे ऑस्ट्रेलिया, मेरा तो ऑस्ट्रेलिया कंफर्म है। आप अपना कनाडा का देखो आप। तो फिर कुछ टाइम रह लेंगे अलग अलग। हाँ ठीक है। किधर से जा रहा है? लिफ्ट से जा रहा है ना? हाँ लिफ्ट से जा रहा है। चलो। आपको खुश लग रहे हैं? मैं तो नहीं हूँ। आप भी हो? मैं थक गई हूँ यार, वोफी के पास जल्दी चलो। चलो कहाँ गया? अच्छा तो गाइस फाइनली आज जो भी डिसाइड करना था कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में से एक जगह चूज कर रही थी, और ऑस्ट्रेलिया का भी सेम खर्चा है यार और कनाडा का भी। तो मेरी गलतफहमी थी कि मैं आप लोगों को ये बोल रही थी कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया महंगा लग रहा है, क्योंकि आज जब मैंने बैठ के बात की दोनों सेम ही लगे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कनाडा में रहना ज़्यादा ईजी है ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा है। तो साहिल ने तो डन कर दिया है और मेरा भी डन हो गया है। होपफुली उन्होंने जो हमें इनटेक बताया है उसके लिए अब साहिल को प्रिपरेशन करनी है। 2 मंथ्स बाद इनका आइल्स है, उसके लिए इन्हीं को ही प्रिपरेशन करनी है पहले, क्योंकि हो जाएगा यार आइल्स तो क्लियर। इतना भी टफ नहीं है, है ना? आप करा देना मेरी तैयारी है ना? मुझे आप करा देना, मैं आपको करा दूंगी। वैसे जिस इंस्टीट्यूट में हम गए थे यहीं पे आइल्स की प्रिपरेशन वो लोग कराएंगे, और 2 मंथ्स बाद हम लोगों को आइल्स क्लियर करना है। उन्होंने जो कनाडा के लिए बैंड्स बताए हैं वो 6.5 मतलब आने चाहिए, तो आपका इजीली हो जाएगा। बाकी जो फर्स्ट हमारी फीस है वो 3 दिन बाद जाएगी, और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हो और आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो कैसे, कितनी फीस वहाँ पर लगती है। मैं इसलिए सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही थी क्योंकि जब तक मुझे पूरी श्योरिटी नहीं मिलेगी ना, मैं ऐसे गलत काउंसलिंग नहीं आपको दे सकती, मतलब ऐसे नहीं समझा सकती। तो साहिल ने मुझे कन्विंस कर ही लिया, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ही घूमे जा रहा था। और हम पहले सोचो ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल सबमिट करके आए थे, और आज इन्होंने एकदम से स्विच करके बोला नहीं मेरा फाइनल है कनाडा। तो कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, फिर बता रही हूँ कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की डिग्री में। डिग्री सेम थी साहिल फीस में ना, डिप्लोमा में थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया में तो डिप्लोमा है ही नहीं उन्होंने बताया, छोटे कोर्सेज के लिए नहीं है। तो काफी सारी नॉलेज मुझे इतनी मिल गई है, कोर्सेज के लिए है, बड़े कोर्सेज के लिए नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में छोटे कोर्सेज के लिए डिप्लोमा है लेकिन बड़े कोर्सेज के लिए नहीं है, तो यही तो मैंने बोला था, यही बोला था। तो साहिल जो है अपना कनाडा से ही कर रहे हैं डिग्री, मैं डिप्लोमा करूंगी। और बाकी काजल का भी हमने पता कर लिया है, काफी अच्छा सब कुछ हो गया है। आज का डे काफी अच्छा था क्योंकि अब आज के बाद नो कंफ्यूजन, नो कुछ ऐसा कि मैं अब स्विच करूं या कुछ भी ऐसा मुझे नहीं माइंड में आएगा दोबारा, क्योंकि अब फाइनल है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। देखो भाई कोई नहीं, साहिल भी फाइनल नहीं है मेरा, तो है मेरा जब, तो, जब ये जाएगा ना परसों तो सब फाइनल हो जाएगा, ब्लॉक नहीं होगा ना तब तक कोई फाइनल नहीं है। नहीं यार अब तो फाइनल है ही, अब तो वो आपका भी फाइनल हो गया बेबी। हाँ ठीक है ठीक है, ये सबसे पहले जाएगा वोफी के लिए। उन्होंने बताया कि डबल वैक्सीनेशन कुछ होती है प्लेन में ले जाने के लिए या उस कंट्री में जाने के लिए, तो सारी चीजें उन्होंने बोला। ये पहला केस हमें ऐसा मिला है जिसमें एक पेट को प्रायोरिटी पे रखा गया। ये वैसे भी घर में सबसे प्रायोरिटी पे ही रहता है वोफो। तो मतलब नॉलेज इतनी मिल गई है कि अब मैं आपको तसल्ली से बैठ के समझा सकती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पढ़ने जाओगे तो इतना खर्चा आएगा, कनाडा में अगर आप पढ़ने जाओगे तो इतना खर्चा आएगा। लेकिन मेरा जब तक मेरे हाथ में वीज़ा नहीं आता है मैं तब तक आपको कुछ भी गलत गाइड नहीं करूंगी। तो मेरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। परसों हम लोगों को फर्स्ट अपनी फीस देनी है, जिसमें क्या करना है। तो जो फर्स्ट हम लोगों को फीस देनी होती है ना वो 6 मंथ का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसकी फीस जाती है, है ना? सोचो फर्स्ट व्लॉग में मैंने ये बोला था, मतलब फर्स्ट जिसमें मैंने ये सब बताया था कि हम स्टडी करने बाहर जाएंगे, कि मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। किस मुंह से मैंने ऐसे बोला था? इस वाले मुंह से। मुझे सच्ची में कनाडा नहीं जाना है यार, मेरा 1% भी इंटरेस्ट नहीं है कनाडा में। बट फिर मेरे को सबने बोला कि कनाडा इज सेफ अगर तुम जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंगली, तो
मैंने कहा चलो नहीं गलत डिसीजन लेते हैं, जब सारे लोग आपको कोई भी एक चीज की सलाह देना तो उसको मान लेनी चाहिए, किसी चीज पे अड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, जहाँ साहिल और वूफी साथ होंगे फिर तो कनाडा भी ऑस्ट्रेलिया ही लगेगा। तो बाकी की मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती ही रहूंगी। बाकी मैं आपको अभी छोटी सी एक चीज बता देती हूँ। तो ये मैंने अपना पूछा था कि अगर मैं डिप्लोमा करती हूँ तो मेरा मोटा मोटा कितना खर्चा आने वाला है ये मुझे बता दो, क्योंकि सबका यही मेन क्वेश्चन होता है। तो इसमें उन्होंने 1 ईयर का मुझे बताया है कि अगर, वैसे तो 2 ईयर का डिप्लोमा होगा, टोटल 25 लाख का खर्चा आएगा जिसमें प्लस आपका GIC भी रहेगा, और 1 ईयर का उन्होंने मुझे बताया 9 to 12 लाख। तो ये होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि 2 साल का अगर आप डिप्लोमा करोगे तो 25 लाख का खर्चा आएगा प्लस GIC। तो मेरा, मैंने जो चूज किया है वो यही किया है, डिप्लोमा 2 ईयर का, मुझे डिग्री नहीं करनी है। बाकी साहिल का डिग्री वाला कोर्स है उसकी फीस अलग है, उसकी उन्होंने 1 ईयर की 18 लाख बताई है, और 2 ईयर का इसका डबल ही कर दो, प्लस GIC वगैरह इनका उसमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट पहले मैंने बस आपको डिप्लोमा की थोड़ी सी नॉलेज दे दी है, जैसे पहले आप आइल्स क्लियर कर लोगे उसके बाद फिर आप लोगों को कॉलेज वगैरह अलॉट होते हैं, तो वो जैसे जैसे जो जो वो करते रहेंगे बताते रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। बाकी अभी फिर घर चलते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। बाकी मेरा ब्लॉग देख लेना। ओ साहिल का ब्लॉग भी आने वाला है कल, तो उसको मिस मत करना, और पता नहीं क्या खुराफाती करने वाले हैं। मुझे अभी घर जाकर एक बार कहीं जाना भी है, मैं काफी ऐसे टेंशन में हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। अभी क्या टाइमिंग हो गया है, 7:30 और 8 o'clock हम सब गर्ल्स को मिलना था, लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा हमेशा लेट ही पहुँचती हूँ हर जगह। और मैं आपको एक और बात बताने वाली थी, अभी मैं भूल गई। हाँ, जो मेरा सॉन्ग आया है अंकुर के साथ, तो प्लीज़ अंकुर के लिए और मेरे लिए वो सॉन्ग देख लेना, जिस जिसने नहीं देखा है। राग जंक्शन करके चैनल है, आप शिल्पा चौधरी न्यू सॉन्ग डालोगे तो आ जाएगा वी आर इम्पॉसिबल, तो उसको देखकर मेरे और अंकुर के नाम के बहुत सारे कॉमेंट करके आ जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी, बट मेरे और अंकुर के नाम के बहुत सारे कॉमेंट कर देना, क्योंकि उस दिन अंकुर बहुत हैप्पी था। बाकी कोई नहीं, हम हमेशा अंकुर को मिस करते ही हैं। गाइज, अभी हम जितनी भी गर्ल्स हैं वो एक छोटी सी पार्टी कर रही हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रही हैं, क्योंकि राधिका की शादी के बाद अभी सब दोबारा से मिल रही हैं। और मेरा इतने दिन से घर पे रह रहकर मन इतना अजीब हो गया था, और मेरे को जाने के लिए किसने फोर्स किया है? मैंने। अब इनको बताओ, क्योंकि मेरी 1% की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बोल के कि मैं पूरे दिन रेस्ट करती हूँ, फ्रेश हो जाएगा, जाने चाहिए बाहर कोई। लेकिन फिर मैं थक भी तो जाती हूँ ना, और किसी ने कमेंट किया था कि काम कुछ करती नहीं है दी और थक जाती है, तो अगर मैं मेरे जितना काम आप कर लेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपका सर कितना दर्द होता है। आप सबको वो 10 मिनट दिखते हैं, 24 आवर हम नहीं दिखा सकते ना कई बार। हाँ, काम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा ही करते हैं, बहुत ज्यादा। और रिंग लाइट के आगे धूप में बार बार कपड़े चेंज करना, आप शूट्स करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, ब्रांड प्रमोशंस होती हैं, कई बार आपकी प्रमोशंस को वो अप्रूवल नहीं देते हैं ये बोल के कि मैम इसमें ये स्किप हो गया है, इसमें ये शूट होता है बताना। और मुझसे ज्यादा मेहनत ये करते हैं, क्यों? क्योंकि ये शूट करते हैं ना, तो फिर सारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके ऊपर होती है कि इस बार अच्छे से एंगल ले लें। थैंक यू सो मच, मुझे वोट देकर जिताए। और सबसे ज्यादा मेहनत इसकी होती है क्योंकि ये जो आज गुस्से में है, क्योंकि उसको है कि मैं अभी तो घर आई थी और अभी कहाँ जा रही हूँ, तो तब से शांत बैठा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है इसको, है ना। बस मैं जल्दी आऊंगी और आप लोगों से मिलूंगी, और साहिल का जो व्लॉग है उसका मुझे काफी वेट है, क्योंकि आज इन्होंने मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, बस ये बोला है जब आप आओगे उसके बाद आपको बताऊंगा। देखते हैं क्या होने वाला है, एक्साइटेड तो मैं नहीं हूँ। ये देखो इनका प्यार दोनों का। ओफो, चलो फिर बस, ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा है, मैं लेट होना नहीं चाहती थी।